हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शारजा रमजान टी10 लीग की, जो कि मैच होने वाला है ऐसे एच के एच स्टार वर्सेस फ्यूचर मैट्रेस के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रांड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा केसीए टी20 की वीडियोस, जो कि कल दो मैच केसीए टी20 की होने वाली है। इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा ऐसे ईसीएस टी10 की वीडियोस, जो कि कल चार मैच होने वाली है। तो सारे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी और IPL वगैरह की भी पूरी अपडेट आपको टेलीग्राम में ही मिलने वाली। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 9:45 पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेली जाएगी। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बहुत अच्छे रन बनते हैं यहाँ से। पेशर्स को शुरुआत में हेल्प मिल सकती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ से अच्छा स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। 110 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है, इवन इससे ज्यादा भी हो सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक 36 मैच खेले गए इस टूर्नामेंट में, जहां पर 22 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, यहां से 14 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर एडवांटेज यहां से पहली बैटिंग करने वाली टीम को देखा गया है। ये देखो, ये पहली सेमीफाइनल है, यानी कि जो भी आज जीतेगी वो सीधा फाइनल में जाएगी। तो यहाँ से दोनों ही टीम जो है यहाँ से टक्कर वाली मुकाबला ले सकती है, क्योंकि यहाँ से दोनों ही ने अभी तक टूर्नामेंट में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। एच के एस जेड की बात करें तो चार मैच खेली, चारों मैच यहाँ से जीत के आ रही है। खलीलुर रहमान और यहाँ से कैफ रमजान दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। खलीलुर रहमान की बात करें तो पहली तीनों ही मैच के अंदर 50+ का स्कोर करते हुए आ रहे हैं, लास्ट मैच की बात करें तो 37 किए थे। तो अभी रिसेंटली उनका फॉर्म काफ़ी तगड़ा चल रहा है, तो इनको एज अ प्लेयर हम लोग जरूर लेके जाएंगे हमारी टीम के अंदर। इवन आप चाहे तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली फॉर्म उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। कैफ रमजान बैटिंग के साथ साथ यहाँ से ओवर्स भी करें तो एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है। इवन ज़्यादातर पब्लिक इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी करके आ सकती है, क्योंकि एक तो ओपनिंग करता है, साथ में एक दो ओवर्स करवा लेता है, और पिछली दोनों ही मैच के अंदर विकेट्स भी निकाली, इससे पहले यहाँ से 3 विकेट निकाली थी। तो बैटिंग से ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, लेकिन बॉलिंग से यहाँ से तगड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए एक अच्छी चॉइस है, इनको ट्राई कर सकते हो। अनस मुस्तफा की बात करें तो लास्ट मैच के अंदर 24 रन का स्कोर किया, इससे पहले बैटिंग नहीं आई और दूसरी मैच के अंदर 6 रन किए थे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर उनको वन डाउन खेलने का मौका दिया गया जहां पर उन्होंने तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। तो एज अ प्लेयर एक बार फिर से आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में नाम दिखेगा इनका आपको, अनस मुस्तफा का, तो इनको ट्राई करना हो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मोहम्मद सलीम थोड़े से ओके पिक रहेंगे, रिस्की टाइप के, अभी तक एक बड़ा स्कोर आया है 4 मैच के अंदर, बाकी 3 मैच के अंदर इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। तो अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो यहाँ से मोहम्मद सलीम को ट्राई करना है, बाकी तो के लिए बहुत ही रिस्की होने वाले हैं। रईस अहमद ने पहले मैच के अंदर 30 रन किए, 2 ओवर्स की गेंदबाजी की, लेकिन दूसरी मैच के अंदर सिर्फ 1 रन किया और ओवर्स 1 भी नहीं की। तो यहाँ से थोड़े से डाउटफुल प्लेयर हैं, तो इनको ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना है। 4 मेंबर 5 मेंबर वाली लीग खेलते हो तो इनको ट्राई करोगे, बाकी बहुत रिस्की रहेंगे ऐसे स्मॉल लीग के लिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर एक तो काफ़ी नीचे है और साथ में ओवर्स कंसिस्टेंसली से ओवर्स नहीं करवा रहे यहाँ से। लास्ट मैच के अंदर जैसे आपने देखा कि ओवर्स नहीं करवाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके लिए अभी थोड़े डाउटफुल रहेंगे। आदिल मियां इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, देखो पहली दोनों मैच के अंदर विकेट निकाले, इसके बाद दूसरी दो मैच की बात करें तो इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। तो अगर कोई अच्छी सोच ना मिले तो ट्राई करेगा, मैंने ओवर्स करवा सकते हैं और यहाँ से कभी भी आपको 1-2 विकेट भी चटका के दे सकते हैं, और साथ में बैटिंग से भी उनके अच्छी खासी एवरेज है, तो कभी भी ऊपर बैटिंग से भी प्रमोट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको आदिल मियां के बारे में। फरहान नज़र ने पिछले मैच के अंदर विकेट निकाला, इससे पहले इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था, तो ये भी थोड़े बहुत रिस्की है, तो इनको भी ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करोगे। बाकी यहाँ से अब्दुल गफ्फार को जरूर मैं अपनी टीम के अंदर लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि हर एक मैच के अंदर ये रेगुलर बेसिस पर 2-2 ओवर्स पूरी करवा रहे हैं, पहली मैच के अंदर 1 विकेट मिली, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट मिली, तो आई थिंक शायद अभी कंटिन्यूस करवा सकता है और परफॉर्मेंस उस लेवल का रह सकता है, यानी कि अगली मैच के अंदर भी 1 विकेट लेंगे, ऐसा ही इनसे हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। बाकी अली जैसा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तीनों ही मैच के अंदर दमदार परफॉर्मेंस दिया है अभी तक का, 2 ओवर्स पूरी करवा रहे हैं, विकेट भी चटका रहे, पिछले दोनों मैच के अंदर तो 2-2 विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चॉइस है कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अली रजा। देखो बॉलर्स ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अली रजा हो, यहाँ से हैदर अली हो,
या सलमान सलीम हो, ये तीनों ही बॉलर्स उस लेवल के जब ये तीनों को ही आप एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ से एक बात बता दूँ कि स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हो तो यहाँ से ये तीनों ही बॉलर्स में से किसी को भी आपको मिस नहीं करना है, तीनों ही बॉलर्स आपकी टीम के अंदर रहने ही चाहिए। बैंस की बात करें तो बैंस से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट यहाँ से ज़िकरिया रमजान है, ये अगर खेले तो इनको सीधा हमारी टीम के अंदर लेके जाएंगे हम लोग। बात करते हैं ऐसे टीम फ्यूचर मैट्रिक्स की, तो देखो यहाँ से कुछ इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स है, जैसे कि ऐसे रोहन मुस्तफ़ा हो गए, जवाद फरीद हो गए, तो उस लेवल के प्लेयर्स है, तो यहाँ से इनका पलड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ से भारी मानता हूँ। लेकिन ये चार मैच में से तीन जीत के आ रही है, एक मैच हार के आ रही है, लेकिन बड़ी टीम के सामने यहाँ से एक हारी भी मैच, बाकी रेगुलर बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ से रोहन मुस्तफ़ा और यहाँ से जवाद फरीद ओपनिंग करवा रहे हैं। रोहन मुस्तफ़ा काफ़ी अपर लेवल के प्लेयर, यानी यूएई के एक मंजे हुए प्लेयर्स हैं, यहाँ से बहुत सालों के लिए यहाँ से यूएई की टीम की कैप्टनशिप करवा रहे हैं, तो बहुत अनुभवी है और ऐसी बड़ी मैच के अंदर ऐसे बड़े प्लेयर्स आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इवन इस मैच की बात करो तो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए मेरे लिए यहाँ से रोहन मुस्तफ़ा बेस्ट पिक रहने वाले हैं। जवाहर फरीद ने लास्ट मैच के अंदर 12 रन भी किए, एक विकेट भी निकाली, तो हर एक मैच के अंदर अभी कंटिन्यूसली दो ओवर्स करवा सकता है। साथ में बैटिंग से अभी तक इतना कोई खास परफॉर्मेंस दिया नहीं, लेकिन बैटिंग से एक इनसे एक बड़े स्कोर की आप उम्मीद रख सकते हो, तो इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं आपके लिए जवाहर फरीद। आलिशान शर्पू वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, 50 और 46 पिछले दोनों ही मैच के अंदर धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है, इवन बॉलिंग से भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ज़्यादातर पब्लिक इनको कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप भी करके आ सकती है, तो आप भी चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकते हो, अच्छी पिक रह सकती है। बाकी मोहम्मद उस्मान के बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत नीचे है, लेकिन एक बात याद रहे, अगर ऊपर से टीम क्वालिफाई करवा जाती है, यहाँ से एक दो विकेट नीचे गिर जाती है, ऊपर से गिर जाती है, तो यहाँ से ये बंदा आपको 50 से 60 रन करके देगा, तो इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में ट्राई करना हो तो कर सकते हो, ग्रांड लीग वगैरह में आपको लेना हो तो ले सकते हो। इवन मैं कहूँगा कि ऐसे बैटिंग सेक्शन से कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ऐसे मोहम्मद उस्मान को ही आप उठा लीजिए, उठा लीजिए मीन्स अपनी टीम के अंदर लेके जाइएगा। सैयद हैदर के ने एक मैच के अंदर बड़ा स्कोर किया, देखो ये भी बड़ा प्लेयर है, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है, 7 मैच के अंदर 217 रन है, तो कभी भी ये अच्छा स्कोर कर सकता है। इवन 50-60 रन की मैंने पहली मैच से इनके बारे में बताता हुआ रहा हूँ, लास्ट मैच के अंदर इनकी बैटिंग नहीं, इससे पहले उन्होंने 69 रन किए थे, तो यही दिक्कत है कि बैटिंग ऑर्डर उनका काफ़ी नीचे है। बाकी ऊपर से खेलते तो मैं जरूर अपनी टीम के अंदर लेके जाता, बाकी डिफरेंशियल वे में इनको लेना चाहो तो ले सकते हो। सरदार बरहट ओके पिक रहेंगे, यहाँ से अब्दुल शुक्र ओके पिक रहेंगे, और यहाँ से नासिर अक्रम, अभी देखो बॉलर्स यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस रहने वाला है, यहाँ से नासिर अकरम, यहाँ से साहिद नवाज, शोएब लगारी तो बॉलिंग करते नहीं, इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन इन सारे प्लेयर्स में से ये बंदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उमर अली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन मैं तो कहूँगा यहाँ से सीधा कैप्टन है वाइस कैप्टनशिप के लिए, अच्छी पिक रहने वाले आपके लिए, उमर अली इनको जरूर ट्राई करेगा। बाकी नासिर अकरम को एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो, यहाँ से साहिद नवाज को एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो। बाकी बैंस से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहेगा। देखो ये बंदा अगर खेलता है यहाँ से मोहम्मद फराज दिन, तो सीधा मेरी टीम का कैप्टन या वाइस कैप्टन रहने वाला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। तो अभी के लिए चलिए देख लेते हैं अभी हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहने वाली है, कौन से प्लेयर को हम लेके जाएंगे और कौन से प्लेयर को हम लोग कैसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ से अनस मुस्तफा को मैंने पिक किया हुआ है। देखो अब्दुल शुक्र का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे, यहाँ से एस शाह यानी कि यहाँ से सैयद हैदर अली शाह का भी काफ़ी नीचे बैटिंग ऑर्डर, इसके लिए मैं यहाँ से अनस मुस्तफा के साथ जाऊँगा। बाकी बैटिंग सेक्शन से यहाँ से उमर अली है, जो कि इनका नाम बैटिंग सेक्शन में, लेकिन ओवर्स करवा रहे हैं और यहाँ से दो दो विकेट चटका रहे हैं, तो इनको ट्राई किया है। बाकी जवाद फरीद एज अ प्लेयर लिया हुआ है, यहाँ से केयूर रहमान को लिया हुआ है। डिफरेंशियल वे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मोहम्मद उस्मान को पिक कर सकते हो, अच्छी पिक हो सकती है, कभी भी ये बाजी को पलट सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से आलिशान शर्पू, यहाँ से के रमजान, यहाँ से रोहन मुस्तफ़ा और यहाँ से एस सलीम हमारी टीम के अंदर रहेंगे। अगर यहाँ से फराजुद्दीन खेलते हैं तो मैं यहाँ से रमजान की जगह पर यहाँ से फराजुद्दीन को लेना पसंद करूँगा। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो नासिर अकरम, यहाँ से अब्दुल गफ्फार और यहाँ से अली रजा हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी हैदर अली को ट्राई कर सकते हो, या कच्ची पिक है, इनको ट्राई कर सकते हो अब्दुल गफ्फार की जगह पर, या फिर साहिद नवाज को लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन मेरी टीम कुछ इस तरह से रह सकती है कि कैप्टनशिप दिए मैंने यहाँ से रोहन मुस्तफ़ा को, जो कि रिस्की रहने वाली है, आप अगर सेफ जाना चाहो तो ऐसे आलिशान शर्पू आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो अभी के लिए कैप्टन हमारे रोहन मुस्तफ़ा रहेंगे, वाइस कैप्टन यहाँ से उमर अली को मैंने पिक किया हुआ है। ऑप्शन की बात करते हैं, ऐसे जवाद फरीद अच्छा ऑप्शन है, के रमजान है एक अच्छा चॉइस, और यहाँ से अली रजा और आलिशान शर्फ, ये चार प्लेयर हैं, इनको आपको कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई करना है। और वेरी रिस्की खेलो तो यहाँ से केयूर रहमान भी एक अच्छी पिक होने वाली है। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से टीम रहेगी, लेकिन याद रहे ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे टेलीग्राम में जाकर आप सर्च भी कर सकते हो, फैंटेसी डिसन चैलेंजर ऐप आप सर्च कर सकते हो @FDC27, और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ अगर वीडियो चला गया तो वीडियो को आप
लाइक और शेयर भी कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा नया रिसर्च करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।